डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग। यह मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूछेंगे, सर कंकरेंट इंजीनियरिंग है क्या? तो बेसिकली इट इज ए मेथड टू वर्क इन पैरेलल सिस्टम। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता है, किसी भी प्रोडक्ट का, खास करके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का, उसमें सभी डिपार्टमेंट एक साथ डिफरेंट उसके स्टेज पे काम करते हैं एक साथ, ठीक ना। और यदि चीज़ों को हम वेल मैनेज कर लेते हैं, देन कंकरेंट इंजीनियरिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट, और साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट इंजीनियरिंग। मतलब कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में कई सारे काम हैं, सभी काम को, सभी तो नहीं हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम काम को पैरेलल करें यदि हम, तो क्या होता है, कम से कम समय में उस प्रोडक्ट को डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस चीज को समझिए कि हमारे पास कई सारे पार्ट्स हैं। अब यदि कोई हमारा प्रोडक्ट है, हम यदि प्रोडक्ट को पहले डिजाइन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, जब बन जाएगा ठीक है, तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तब उसकी मार्केटिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, तो क्या एक लंबा वक्त लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कंकरेंट इंजीनियरिंग में। कंकरेंट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारी टीम्स हैं सभी पैरेलल्स काम करेंगी। जैसे कि हमने मार्केट की नीड को देख लिया कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की ज़रूरत है, इस तरह की मान लीजिए। अब इस तरह की कंप्यूटर की यदि ज़रूरत है तो अब मार्केटिंग एक बंदा करेगा कि हमारी कंपनी इस तरह की कंप्यूटर बना रही है, तो मार्केट में उसकी धीरे धीरे जो है ब्रांडिंग मार्केटिंग होने लगेगी। एट द सेम टाइम डिजाइन वाला बंदा क्या करेगा, डिजाइन इंजीनियर क्या करेगा, उसकी डिजाइनिंग करना शुरू करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रिसर्च करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल का ऑर्डर तब तक दे देंगे, ठीक ना। और धीरे धीरे मार्केट में जो है यह एक जो है, आप देखते हैं ना कई बार फ़ोन आता है तो नया फ़ोन मार्केट में नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन लेना पड़ता है उसके पहले ही वो जो है एक फोरकास्ट कर देते हैं कि हमारा ये फ़ोन आने वाला है, MI 7, MI 8, MI 9 आने वाला है, और आप जो है बुक कर सकते हैं। तो क्या हो गया, पैरेलल जो है मार्केटिंग हो रही है, पैरेलल बुकिंग हो रही है, तो उस समय कंपनी के पास पैसा भी आने लगता है, या ये पता चल जाता है कि ठीक है ये प्रोडक्ट बनते ही हमारा इतना प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो ये सारी टीम पैरेलल काम करती है, और इस पैरेलल काम करने के तरीकों को ही कंकरेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। बेसिकली इट इज ए स्ट्रेटेजी वेयर ऑल टास्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर डन इन पैरेलल। जो है इसमें अब यह बहुत जरूरी है कि कोलेबरेशन बिटवीन ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स विद इन ए कंपनी शुड बी वेरी गुड। आइदर कस्टमर रिसर्च का जो बंदा है, जो कस्टमर की नीड को फाइंड आउट करने वाला है, या डिजाइन इंजीनियर है, या मार्केटिंग पर्सन है, अकाउंटिंग वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, सबको पैरेलल काम यदि करना है तो एक कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए, कोलेबरेशन बहुत होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन एंड कोलेबरेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंकरेंट इंजीनियरिंग। इसमें प्रोडक्ट डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट, फाइनेंस, दैट मीन्स कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ईच एंड एवरी वन विल वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जो है आपको जस्ट यहाँ पे हमने दिखाया है कि कोई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है या प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी है, तो ग्राफिक वाला भी काम कर रहा है, पैकेजिंग वाला भी काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, डिजाइन इंजीनियर, सब साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो सबसे पहले तो हम आइडिया जनरेट करेंगे, तो ये पैरेलल सारे काम हो रहे हैं। कैसे, कस्टमर की फीडबैक ली जा रही है, कस्टमर की नीड पता की जा रही है, ठीक ना। उसके बाद जो है R&D उसके ऊपर चल रहा है, सप्लायर से रॉ मटेरियल भी हम जहाँ जहाँ पता चल गया कि अच्छा ये रॉ मटेरियल लगने वाला है तो उसकी हम जो है
ऑर्डर दे देते हैं, डील करने लगते हैं। फिर हम ये भी देखना जरूरी है कि हमारा कंपटीटर कौन है, क्या सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उससे थोड़ा हट करके हम कैसे जो है हम प्रोडक्ट की डिजाइन कर सकते हैं, और पैरेलल मार्केटिंग भी हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब सब कुछ करने के बाद फिजिबिलिटी जो है स्टडी करते हैं, इतना जो हमने मेहनत कर लिया यह फिजिबल है क्या, हमें अब मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक जो है एक तरह से मिनिमम कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अब जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो रियल कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो कमर्शियल पर्पज से जो है यहाँ फिजिबिलिटी स्टडी जरूरी है। उसके बाद डिजाइन आपका हो गया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया, प्रॉब्लम आप समझ गए कस्टमर की, अब प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो अब चीज़ों को डिजाइन कीजिए, उसमें कौन से फंक्शन रहेंगे, ठीक ना, कौन कौन से फंक्शन हम दे सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, उसकी टेस्टिंग कहाँ करेंगे, उसका प्रोटोटाइप कैसा होगा, और मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन दैट मीन्स कि कौन से मशीन पे बनेगा, किस मेथड से बनेगा, इन सारी चीज़ों की एक बहुत बड़ी जो है हम लोग एनालिसिस करके और फाइनली जो है उस प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे शुरू में 2, 4, 10 ही प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वेदर आवर प्रोडक्ट इज सक्सेस और नॉट। यदि सक्सेस है तो आप डायरेक्ट उसको मार्केट में और प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, और प्रोडक्शन यहाँ पे हाई स्पीड से शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है कंकरेंट इंजीनियरिंग का। लेकिन कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या कहता है कि ये बारी बारी से ऐसा नहीं कि यहाँ आइडिया जनरेशन हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये सभी एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग वाला काम कर लेगा तो जो है R&D वाला करेगा, R&D वाला कर लेगा तो सप्लायर से बात करेगा, फिर कंपटीटर को देखेगा, फिर ये करेगा, फिर नहीं, ये संडे शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि संडे को कर लेंगे, ये मंडे कर लेंगे, ये ट्यूसडे कर लेंगे, ये जो है वेडनेसडे कर लेंगे, नहीं, संडे को ये सारा काम पैरेलली स्टार्ट हो गया। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट इंजीनियरिंग। दैट मीन्स कि इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है, या साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द लिनियर प्रोसेस। जैसे कि आप किसी असेंबली लाइन में देखते होंगे, वहां भी लगभग यही प्रोसेस जो है पूरा का पूरा एडॉप्ट किया जाता है। अब कंकरेंट इंजीनियरिंग की यदि आप देखेंगे, ठीक ना, तो अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आइडिया जनरेशन में सब पैरेलल काम करेंगे, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। कोई एक बिस्किट है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि बिस्किट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक ना, तो कॉस्ट एक पैरामीटर, टेस्ट दूसरा पैरामीटर, क्वालिटी तीसरा पैरामीटर, और न्यूट्रिशन चौथा पैरामीटर। चार पे ही हम बात करें, और भी कई सारे पैरामीटर हैं। तो ध्यान रखना है कि टेस्ट अच्छा हो, बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, या शुगर लेवल ज़्यादा है, या जो है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो अगेन आपको यहाँ पे थिंक करना है, बिस्किट तो है लेकिन खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, या खाने में अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन मतलब कि कोई उसको खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलती है हमें, ठीक ना, और यदि हाई न्यूट्रिशन दे दें, टेस्ट खराब कर दें, तो फिर बेकार है। कहने का मतलब है कि सब परसेप्चुअल, मतलब म्यूचुअल, आपको एक क्या बोल सकते हैं उसको, इंटीग्रेशन चाहिए, जिसमें कि न्यूट्रिशन भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छा हो, टेस्ट भी अच्छा हो, कॉस्ट भी अच्छा हो। दैट मीन्स कि इट इज ए ओवरऑल वन काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यदि हम टेक्निक की बात करें, तो टेक्निक में तीन टेक्निक फेमस है, परसेप्चुअल मैपिंग और बेंचमार्किंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये परसेप्चुअल मैपिंग आपने अभी देखा इस बिस्किट के एग्जाम्पल पे। अब आइए हम बेंचमार्किंग और रिवर्स इंजीनियरिंग पे बात करें। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं किसकी,
एक तो परसेप्चुअल हम मार्केटिंग की बात कर लिए, बेंचमार्किंग की यदि हम बात करें तो ये बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है ना। अब बेंचमार्किंग मतलब क्या है कि यू हैव टू गेट द बेस्ट, ठीक है ना। बेंचमार्क आपने एक जो है, जो भी आपका एक बेंचमार्क है, जैसे 100% इफिशियंसी, अब इफिशियंसी 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है ना, तो वहाँ रीच करने की कोशिश कीजिए, अपनी वो बेंचमार्क बनाइए, ठीक है ना। या कोई एक स्पेसिफिकेशन है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उससे बेहतर क्या हो सकता है, या कोई आपका कंपटीटर सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है या ऑलरेडी उसका प्रोडक्ट है, तो उससे बेहतर आप क्या दे सकते हैं, तो वो तो बेंचमार्क आपको बनाना ही बनाना होगा। जैसे कोई बिस्किट 10 रुपये में मार्केट में बिकती है, अब आप कोई दूसरा बिस्किट लॉन्च करते हैं तो उसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। पहला चीज, यदि 10 रुपये से ज़्यादा है कीमत, तो अब आपको वहाँ पे क्या करना होगा, क्लैरिटी देना पड़ेगा कि ज़्यादा कीमत है तो आखिर इसके अंदर ऐसा क्या खास है कि आप 10 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं। तो दैट इज द बेंच मार्किंग। उसी तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट मीन्स कि डिसमेंटल एंड इंस्पेक्ट कंपटीटर्स प्रोडक्ट, कंपटीटर का प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि बिस्किट का एग्जाम्पल दिए तो खरीदिए, खाइए तल्लीनता के साथ, पानी पीजिए और एनालिसिस कीजिए अपने बिस्किट का कि हमने जो कंपटीटर का बिस्किट खाया, क्या हमारा बिस्किट उससे अच्छा है या नहीं, ठीक ना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक ना। उसके जो कोई प्रोडक्ट हैं या कोई आइटम्स हैं उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जैसे स्मार्टफोन है, उसका कोई फीचर है, तो आप यदि नया स्मार्टफोन बना रहे हैं तो आपके अंदर उसका फीचर्स ज़्यादा होना चाहिए। अब ज़्यादा होने का दो तरीका है, एक तो आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी हो, R&D हो, दूसरा तरीका ये होता है कि उसके ड्रॉबैक फाइंड आउट कर लीजिए अपने कंपटीटर का, दैट इज दी बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग। उसको डिसमेंटल करके और उसके हर एक फीचर्स को आप कैच कीजिए और अपने हिसाब से उसको डेवलप कीजिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। यदि हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ कंकरेंट इंजीनियरिंग की, तो बेसिकली कंकरेंट इंजीनियरिंग प्रेजेंट्स एन एनवायरमेंट विच इनकरेज एंड इम्प्रूव द इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट डिसिप्लिन एंड डिपार्टमेंट टुवार्ड्स द सिंगल गोल ऑफ सेटिस्फाइंग एन इमर्जिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो की जो हमने बताया एलिमेंट यहाँ पे कि बेंचमार्किंग, रिसर्व, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड पर्सनल, तीनों म्यूचुअली काम करते हैं। जो है फिजिबिलिटी स्टडी आपको करनी है, तो फिजिबिलिटी स्टडी करने का मतलब कि ये सारी तो अभी तक प्लानिंग कर रहे थे, अब ये जो आपने प्लानिंग किया, जो आपने सोचा, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। कैसे आप कर सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है बनाने जा रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है, ठीक ना, क्या उसकी कॉस्टिंग इस लेवल पे है कि डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग, इन सब का कॉस्ट निकालने के बाद हमें प्रॉफिट हो सके, ठीक ना। क्या आपकी कंपनी की कैपेबिलिटी है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, ठीक ना। क्या आपके पास वर्कर्स हैं जिनके पास इतना स्किल है, इन सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना ही होगा। देन आपको आना होगा कहाँ पे, फॉर्म डिजाइन पे। फॉर्म डिजाइन दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, फंक्शनल दैट मीन्स कि कौन कौन से आप फंक्शन उसमें देंगे, किस तरह का फीचर्स होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट बिकता है फीचर्स के आधार पे, ठीक ना। आप स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या नया है, पहले से कुछ हट करके क्या है, देन यू हैव टू मैन्युफैक्चर दी प्रोडक्ट। अब मैन्युफैक्चर करेंगे तो कई सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं, तो किस मेथड को आप जो है एडॉप्ट करेंगे, दैट यू हैव टू प्लान, दैट इज दी फिजिबिलिटी स्टडी। अब जो है पायलट रन यदि करें, पायलट रन का मतलब होता है कि फाइनल जो है मार्केट में हम प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले उसकी बढ़िया से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के मतलब ये हैं कि मार्केट में जा करके यदि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास खराब हो जाता है तो जो है एक बहुत नेगेटिव फीडबैक जाता है, ठीक है। तो हम पहले अपने ही लोगों को, अपने ही कुछ इम्प्लॉय को, वर्कर को हम वह प्रोडक्ट दे देते हैं कि आप इसका यूज करके देखो।
जब वो फीडबैक देते हैं कि नहीं सही है या इसमें कुछ चेंजेज करने की जरूरत है, तो उसको चेंज कर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें है प्रोटोटाइप पहले बना लेते हैं, मतलब जहाँ हजारों प्रोडक्ट बनाना है वहाँ पहले दो चार बना लेते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और फाइनल स्पेसिफिकेशन पे जो है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद करते हैं लॉन्च। लॉन्च करने के जो है आप पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी आप अप्लाई की हैं जिससे कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, ठीक है, और प्रोडक्ट मार्केट में पब्लिक खरीद रही है या नहीं, और जो भी आपका रॉ मटेरियल है तो एक तो कुछ रॉ मटेरियल दैट मीन्स कि इनपुट होगा और कुछ आउटपुट निकलेगा, इसके अलावा कुछ स्क्रैप भी निकलेगा। तो इस जो स्क्रैप निकलेगा क्या इसका हम कहीं यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या इसको सेल आउट करके इससे भी कुछ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में तो सब कुछ पैसा है। देखिए जिंदगी में ही, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि सब कुछ पैसा है, लेकिन हाँ पैसा बहुत कुछ है। अब कंकरेंट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कंकरेंट इंजीनियरिंग में जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली तीन एलिमेंट्स इसमें काम करते हैं, ठीक ना, पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, दीज थ्री आर क्रूशियल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इसेंशियल इन इम्प्लीमेंटिंग कंकरेंट इंजीनियरिंग टू अचीव शॉर्टर डेवलपमेंट विद इन टाइम विद इन लो कॉस्ट एंड विथ गुड क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब जैसा कि हम ये बता चुके हैं कि चारों लेवल पर एक साथ काम होता है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग वाले लिए कहाँ से, कस्टमर से, फिर ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन डिजाइन इंजीनियर चेक करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को जो है मैन्युफैक्चरर देखता है, प्रोडक्शन जो है इंजीनियर देखता है कि ये चीज़ें प्रोड्यूस हो पाएंगी कि नहीं, क्या हमारे पास इतना रिसोर्सेस है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है या लीनियर प्रोसेस जो होता था, इसमें क्या होता था कि पहले ये काम कर लेगा अपना, उसके बाद ये करेगा, ये जब कर लेगा तो ये करेगा, जब ये कर लेगा तब ये करेगा। अब ऐसा नहीं है, कंकरेंट इंजीनियरिंग मतलब टीम कोलेबरेशन, ये चारों एक अक्रॉस द टेबल बैठे हैं और चारों एक साथ काम कर रहे हैं, तो काम क्या होता है हमारा जल्दी होता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि किसी की भी गलती तुरंत पकड़ में आ जाती है और एट द सेम टाइम उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट इंजीनियरिंग। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस आधे घंटे के वीडियो में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कंकरेंट इंजीनियरिंग का, जो जिंदगी में शायद अब आप कभी नहीं भूलेंगे। कंकरेंट इंजीनियरिंग हम क्यों अप्लाई करें, ठीक है, कंकरेंट इंजीनियरिंग इसलिए अप्लाई आप कीजिए कि मार्केट में डेली कुछ ना कुछ चेंजेज आ रहे हैं, उस चेंजेज को पकड़ने के लिए, उस चेंज के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए, पेस ऑफ द मार्केट, मार्केट के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए आपको क्या करना होगा, कंकरेंट इंजीनियरिंग को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी जो है मार्केट के चेंज को, ठीक ना, एडॉप्ट करे, डिसीजन क्विकली ले, ये नहीं कि जो है जब जो है हमारे जो है देखने की जो है वक्त आई तो उसके जो है संवरने का वक्त खत्म हो गया, ऐसा नहीं, बुढ़ारी में फलाहारी नहीं, निर्णय जो है तुरंत जो है लेना चाहिए। और कई बार जो है मैनेजर्स या जो है टीम मेंबर्स इंजीनियर डिसीजन नहीं ले पाते, जब एक साथ बैठेंगे तो डिसीजन क्विकली हो जाता है, ये कंकरेंट इंजीनियरिंग का जो है बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर भी है बैठा हुआ, इंजीनियर भी है, मैनेजर भी है और चेयरमैन भी है, तो पूछने की जरूरत नहीं है, आमने सामने सारी चीजें हैं। उसके बाद जो है रिपीटेशन ऑफ टास्क, ऐसा नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम एक दूसरा आदमी भी कर रहा है, तो वेस्टेज ऑफ द टाइम जो है हो जाता है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद रीवर्किंग वेस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में क्विकली आप लॉन्च कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्पेशलिटी ऑफ द कंकरेंट इंजीनियरिंग, और कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और कंपनी की इफिशियंसी
की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के कंकरेंट इंजीनियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब यदि हम बात करें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि एक इसका जो है डिसीजन कंकरेंट यानी क्विक डिसीजन बनाने के लिए हमको ज़रूरत किस चीज़ की है। सबसे पहले टीम जो भी है आपकी मार्केटिंग टीम हो डिजाइन टीम हो इंजीनियरिंग की टीम हो उनके पास एक स्पेसिफाइड गोल होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है टीम का एक इंटर रिलेशन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए साथ में ही सुपेरियर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल दैट मींस कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ये कोई नहीं बोले कि अरे यार हमें तो ये मालूम ही नहीं था। ठीक है उसी तरह से अब ये सारी चीज़ें करेंगे कैसे तो उसके करने के जो तरीके हैं वो तरीके बहुत सारे हैं लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्या है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट ऐसे डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ठीक ना डिजाइन फॉर असेंबली इस तरह के कई सारे जो है टूल्स हैं लेकिन क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल नाउ ए डेज। तो इसके ऊपर जो है हम लोग जो है बात करेंगे क्योंकि कंकरेंट इंजीनियरिंग इज ए पावरफुल वर्क फ्लो मेथडोलॉजी इफ इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। यदि आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं देन ओनली इट विल गिव दी बेनिफिट अदरवाइज अगेन इट विल बी मिस अंडरस्टैंडिंग मिस यूज देन कंपनी विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। ठीक ना तो इस तरह से जो है ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट हम लोग इसको अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब यदि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है क्या ठीक ना। अब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है बेसिकली कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस या पैरामीटर्स कह लें यहाँ पे ठीक ना इट इज ए मेथड बेसिकली डेवलप्ड इन जापान इन 1966 उतना पहले डेवलप हो चुकी है ठीक ना। और इसमें जो है ये जो है पैरामीटर करता क्या है कि कस्टमर की नीड को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट कर देता है एट ऑल स्टेज एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाता है दैट इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। इसी को जो है बोलते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर मतलब कस्टमर की जो एक्चुअल नीड है उसको प्रोडक्ट में जो है परिणत कर देने का नाम ही क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है। अब इस क्वालिटी डिप्लॉयमेंट को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसमें है क्या। सबसे पहले है कि जो आपने ये पांच पैरामीटर देखे सबसे ऊपर जो है ठीक ना फिफ्थ नंबर है तो फिफ्थ नंबर क्या है ठीक ना फिफ्थ नंबर के पहले आप आ जाइए एक नंबर। एक नंबर क्या है कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट मतलब सबसे पहले कस्टमर जिसे मेथड टू ट्रांसफॉर्म क्वालिटेटिव कस्टमर डिमांड इनटू क्वांटिटेटिव पैरामीटर क्योंकि कस्टमर टेक्निकली साउंड नहीं रहेगा वो अपनी भाषा में चीज़ों को बताया कि ये जो है बोतल हमें पसंद नहीं आया ये या पानी रखने के बाद 2 घंटे के बाद इसका टेस्ट खराब हो जा रहा है। तो अब आपको उसको क्वांटिटिवली मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू में मशीन के लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जा करके आपको उसको इम्प्रूव करना है ठीक ना। उसके बाद कंपेटिटिव प्रोडक्ट इवेल्युएशन। अब यदि इसमें 2 घंटे में यदि पानी खराब हो जाता है तो मार्केट में इस तरह के बहुत सारे बोतल होंगे तो क्या सबके पानी खराब हो जाते हैं ये आपको सोचना है। उसके बाद इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है टेक्निकल पैरामीटर है जिसको हम ठीक कर दें तो ये प्रॉब्लम हमारा कस्टमर का खत्म हो जाए। और ये जितने भी इंजीनियरिंग पैरामीटर्स हैं उनके बीच क्या कोई रिलेशंस हैं ये तो 1 एंड 3 के बीच इंटर रिलेशनशिप आ गया और इनके बीच का भी पूरे मैंने 1, 2, 3, 4 के बीच का रिलेशन क्या हो गया आपका फिफ्थ नंबर। अब इन सब के बाद ठीक ना अब आ जाइए कहाँ पे कि अब आप न्यू प्रोडक्ट अब लॉन्च करने जा रहे हैं मतलब कि जो पहले पुराना प्रोडक्ट था जिसमें कि कोई परेशानी आ गई तो अब उसको आप सही से कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं दैट इज द क्वालिटी फंक्शन
फंक्शन डिप्लॉयमेंट, और इस जो डायग्राम आपने देखा है इसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ द क्वालिटी, हाउस ऑफ द क्वालिटी, ठीक है ना। तो इसमें जो है कई सारे कॉन्सेप्ट हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों का जो है ये जो है बहुत अच्छा एक वो है, जरिया है आप बोल सकते हैं, इट इज द वे टू टू कैचअप द वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड इनकल्केट इट इन टू द मैन्युफैक्चरिंग। अब बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे ये पानी का बोतल है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसा कि यहाँ हमने लिखा भी है कि स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर रिलेशन बिटवीन, मतलब कि यदि दोस्ती है, दोस्ती मतलब कि बहुत सारे जो पैरामीटर हैं, ठीक है, उन पैरामीटर के बीच का आपस का एसोसिएशन कितना है, आपस की दोस्ती कितना स्ट्रांग है। तो जैसे एट्रीब्यूट्स आप देखिए, ठीक है ना। अब यदि किसी बोतल है, पानी बोतल की बात करें, तो सेंसिटिविटी टू वाटर लेवल, मतलब कि वाटर तो इसमें जो है खराब कितने देर में हो जाता है, ठीक है ना। बोतल कितना ड्यूरेबल है, 2 साल चलता है, 1 साल चलता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ बोतल आप देखते हो कि जो है मुलायम होता है, कुछ बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना, कुछ इनएक्सपेंसिव होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ देखने में अच्छा लगता है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है तो बच्चे वही खरीदते हैं, ठीक है ना। अब जो है लुक्स गुड, अब देखने में अच्छा लगता है लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिजाइन से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इनर्जी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मटेरियल फॉर केसिंग, मटेरियल से एसोसिएशन है, प्लस मतलब एसोसिएशन है, ठीक है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन है, इससे जो है ये संबंधित है, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि बोतल देखने में अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, ठीक है। जहां माइनस है वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरह से और भी कस्टमर की जो नीड है, एक तरफ हम कस्टमर की नीड देखते हैं, दूसरे तरफ जो उसकी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स की एट्रीब्यूट्स जिसको बोलते हैं उसको, अब इन सब के बीच में प्रायोरिटी चेक करते हैं, ठीक है ना। प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं, इसके कई सारे मेथड हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, अभी हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करने जा रहे हैं, बट एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि एट्रीब्यूट चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए भी जरूरी है कि जो है हो सकता है कि भाई पानी का बोतल दूसरे वाला कंपनी का 10 रुपये में मिल रहा है, आप जो है 10 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन आपकी पानी खराब नहीं होती, उसकी पानी खराब हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि आप से उसका साइज बड़ा हो, तो कहीं ना कहीं पैरामीटर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब यदि 10 रुपये में ही वो दे रहा है ये बोतल और 10 रुपये में आप दे रहे हैं ये बोतल, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तभी तो इतना मटेरियल आप इसमें लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डिटोरिएट होगा, ठीक है ना, या कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना, या देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम कॉस्ट में ये और ये दोनों बोतल मिल रहा है, आपको इसमें मटेरियल ज़्यादा लगा है, तो कहीं ना कहीं उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए आपको इसमें जो है कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दैट इज द हाउस ऑफ क्वालिटी बेसिकली। अब ये इंटर रिलेशन ही फाइंड आउट करने का कि कौन सी जो है पैरामीटर्स एक दूसरे से कितना है इंटर, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट, अब देखिए ये क्या है, एनर्जी इफिशियंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये किसका है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेंसर, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेंसर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिजाइन दोनों को रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे यदि किसी सर्किट को कॉम्प्लेक्स आप बनाते हैं, डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि वहाँ सेंसर लगेगा और सेंसर का कॉस्ट हो सकता है बढ़ेगा। तो इस तरह से ये चूंकि मेरा टॉपिक नहीं है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, हाउस ऑफ द क्वालिटी, वॉइस ऑफ द कस्टमर, दीज आर दी सेपरेट टॉपिक दैट यू कैन स्टडी इन अनदर वीडियो, बट कॉन्सेप्ट यही है, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और फाइनली हमको टारगेट जो है क्या मॉडिफाई करना है वो हमें देखना पड़ेगा। इससे ये निकल कर के आ जाता है कि कौन से पैरामीटर मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और कौन से पैरामीटर डिफाइन या मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं।
जो है डिफरेंट रोल्स की यदि बात करें तो आज की डेट में कंकरेंट इंजीनियरिंग में, कंकरेंट इंजीनियरिंग जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ती है कैड कैम की। तो आखिर कैड कैम किस तरह से रोल प्ले करता है कंकरेंट इंजीनियरिंग में, तो हम सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि जो भी आप मॉडल बनाएंगे या पार्ट बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, उसकी ज्योमेट्री तैयार करेंगे कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या ड्राइंग सॉफ्टवेयर पे, और फिर उसको डिजाइन करते हैं आप और उसको कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से इंटरलिंक कर देते हैं। ठीक है ना, आप जिस तरह का इमेज चाहते हैं, कलर एनालिसिस, ठीक ना, ये आप कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। आप उसको सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं, डिजाइन फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं, ठीक ना। और जो है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग की जितनी भी जो है एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको आप जो है उसके फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, टेक्सचर डिफाइन कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट आप कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक ना, और अल्टीमेटली उसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट एंड दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ कैड कैम इन कंकरेंट इंजीनियरिंग। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए एडवांटेज क्या है कैड का, तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, ठीक ना। अब इतनी एडवांटेज है कि जो है दो चार मैं लिख दिया हूँ, ठीक ना, बट देयर इज टू मच एडवांटेज ऑफ कैड कैम इन कंकरेंट इंजीनियरिंग। अब आज के डेट में जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ये भी एक कंकरेंट इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फायदा है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, आज के डेट में ग्रीन प्रोडक्ट की मार्केट है। ग्रीन प्रोडक्ट कहने का मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट के ऊपर कोई, सॉरी मार्केट बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इसीलिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम लोग जोर देते हैं। और कंकरेंट इंजीनियरिंग इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट एट द सेम टाइम वाइल डिजाइनिंग डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग इन्वायरमेंट को, प्रोडक्ट के रिसाइकिल का, प्रोडक्ट के रीयूज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, प्रोडक्ट को आप पैकेज करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, रिसाइकिलेबिलिटी, इस सब चीज़ पे ध्यान देना है। तो हम यदि इन्वायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ध्यान दें कि हमारा जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन मटेरियल है, वो हमारा टॉक्सिक ना हो, केमिकल ना हो, कहीं भी हार्मफुल ना हो हेल्थ के लिए, और कम से कम एनर्जी यूटिलाइज हो। आप देखिए घरों में पहले टीवी आता था तो कितना जो है एनर्जी लगती थी, आज एलईडी टीवी आ गई है, ठीक है ना। आप घर में कभी देखिए, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, उसके बाद ट्यूब आया, और आजकल सीएफएल और एलईडी आ गया है, तो बहुत कम एनर्जी के साथ जो है अच्छी लाइट जो है आपको मिल जाती है। दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग वी मस्ट प्रमोट। और उसके बाद इमिशन, कार्बन इमिशन कम से कम हो, वेस्टेज कम से कम हो, स्क्रैप कम से कम निकले, उसको भी हम लोग कहीं जो है यूज कर लें। देखिए जब भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो किसी न किसी पैकेजिंग सील में आती है, वह पैकेजिंग सील जो भी पैकेजिंग प्रोडक्ट है, चाहे वो कार्टून है, प्लास्टिक है, चाहे जो भी है, अल्टीमेटली वो फेंका चले जाता है। तो क्या हम उसको कहीं रीयूटिलाइज कर सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म न करे? आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में गाय को हम लोग माता तो कहते हैं, लेकिन गायों की सबसे ज़्यादा मौत पॉलीथीन खाने से होती है दोस्तों। और ये पशु पक्षी की तो बात ही क्या, ये तो कोई काउंट ही नहीं करता है। इन पशु पक्षियों की जो है ज़्यादातर मौतें हमारे वजह से होती है कि हम लोग कभी टॉफ़ी खाकर कहीं रैपर फेंक दिए, वो रैपर कोई चिड़िया खा गई, उसके कंठ में जा करके वो फंस जाता है, और अल्टीमेटली जो है हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिए और उसकी बोतल कहाँ फेंक दिए, बीच के किनारे फेंक दिए, कहीं फेंक दिए, और उसको कोई जो है खा गया पशु पक्षी, तो अल्टीमेटली वो जो है बहुत हार्मफुल हो जाता है, ठीक ना। तो हम कोशिश करें कि जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका कम से कम यूज करें, जो हम यूज कर रहे हैं उसका रीयूज कर सकें हम, ठीक ना, रिसाइकिल कर सकें, उसका कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो, बायोडिग्रेडेबल हो, दैट मीन्स कि उसको कहीं खेत में फेंक दे या कोई चिड़िया खा जाए तो उसका कोई नुकसान ना हो, ठीक ना। डिजाइन फॉर डिस्पोजल एंड रिसाइकिलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम बना तो लिए लेकिन रिसाइकिल करना उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि
प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल एक होती है, आज से 5 साल 10 साल के बाद वो प्रोडक्ट तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है कि उसको किसी और चीज़ में हम बना लें, या उसके मेल्ट करके उसको गला करके उसको हम फिर कहीं किसी और प्रोडक्ट में ले लें, ठीक है ना, ताकि टॉक्सिसिटी कम हो। थर्मोसेट, प्लास्टिक, ये सब जितने आप देखते हैं, जितनी बड़ी बड़ी मूर्ति होती है, ठीक है ना, जो गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यदि मिट्टी की है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, नदी में फिर वो विसर्जन कर देते हैं और वो प्रकृति की चीज़ प्रकृति में मिल जाती है। लेकिन जब हम थर्मो प्लास्टिक्स की जो है मूर्तियाँ बनाने लगे हैं, ठीक है ना, तो इट इज़ टू मच हार्मफुल, ठीक है ना। हम लोग केमिकल से पेंटिंग कर देते हैं और हम लोग विसर्जन कर देते हैं नदी में, मछलियाँ उस पेंटिंग को खाती हैं और जो है जीवन उनका खत्म हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी मस्ट अवॉइड एट ऑल लेवल, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द कंपनी। क्योंकि अब यहाँ पे कंपनी की इसलिए बात कर रहे हैं कि कंपनी इंडस्ट्री रिलेटेड कंकरेंट इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बात करना लाजमी है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो है हमें सिर्फ कंपनी में नहीं, कंपनी के बाहर जो है ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। डिजाइन फॉर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग में ही कि हम मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ना, उसको रीयूज के लिए प्रमोट कर सकें, और जो है एडहेसिव का चिपकाने वाले जो मटेरियल है, चाहे वो फेविकॉल हो, ठीक है ना, या फेविक्विक हो, उन सबका यूटिलाइजेशन कम से कम करें और मटेरियल को फिर कहीं हम रीयूज कर सकें, ठीक है ना, और जो है उसको डिसेंबली कर सकें, फ्रैक्चर, फास्टेनिंग, बॉन्डिंग, ये सब आराम से, फिर एडिटिव कोटिंग, मेटल प्लेटिंग, प्लास्टिक्स, ये सब यदि नेचुरल मटेरियल होगा तो जो है दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैक्सिमाइज यूज ऑफ रिसाइकल्ड ग्राउंड मटेरियल विथ वर्जिन मटेरियल। वर्जिन मटेरियल जो सही है मटेरियल, जैसे किसी खेत में हम उस प्रोडक्ट को फेंक देते हैं तो ऐसा नहीं कि उस मिट्टी को भी वो खराब कर दे, ठीक है ना, जबकि होना ये चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल रहेगा तो मिट्टी के साथ मिलकर के मिट्टी हो जाएगा। क्योंकि तो पंच तत्व, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, जो भी आप मटेरियल है, ठीक है ना, वो मटेरियल कहीं ना कहीं मिट्टी से, हवा से, आग से, ठीक है ना, मिल करके बनी है। तो डिस्पोजल के बाद उसी चीज में यदि वो चले जाए तो अच्छी बात है, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है ना, तो रिसाइकलिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है ना। आदमी का भी तो रिसाइकिल है, आदमी पैदा होता है, फिर उसकी अपनी जो है समाज में धीरे धीरे ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, और धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ आकर के वो दुनिया से बाहर चले जाता है। उसी तरह हर प्रोडक्ट की होती है, ठीक है ना। तो हर एक प्रोडक्ट को हम जब डिजाइन करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ भी और स्वयं के साथ भी हम लोग ऐसा व्यवहार और ऐसा चरित्र और ऐसा कार्य करें जिसके चलते प्रकृति का कहीं भी जो है विनाश ना हो। अल्टीमेटली प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर कोई निगेटिव जो है इम्पैक्ट आता है तो कहीं ना कहीं घूम फिर करके हमारे ऊपर ही चीज़ें आती है, हम ही जो है कहीं ना कहीं डिटोरिएट होते हैं। नेचर डिटोरिएट नहीं हो रहा है, हम खुद ब खुद डिटोरिएट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो है डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट, इस तरह से डिजाइन कीजिए तो उसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर ना हो। एक केस स्टडी हमने लिया है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आप बनाते हैं, डिजाइन स्टेज क्या होगा। तो पहले आप डिजाइन, ठीक है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन करते हैं, उसके बाद रीयूजेबल कंपोनेंट्स, से जो कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं रीयूजेबल हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, या डेस्कटॉप हो, जो भी है आपका, ठीक है ना, और रिसाइकल्ड मटेरियल जहाँ भी पॉसिबल हो, रिसाइकल्ड मटेरियल दें जिसका रिसाइकल हो सके, और कोई भी टॉक्सिक मटेरियल मत डालिए। उसी तरह से जब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, क्योंकि ये डिजाइन स्टेज में ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो क्या हो गया, जो भी वर्क प्रोसेस है हमारा, सोर्स ऑफ मटेरियल है, वह इथिकल होना चाहिए, मतलब सैद्धांतिक होना चाहिए, वो एक सिद्धांत के तहत काम करे, अर्थात क्लीन मैन्युफैक्चरिंग, कोई वेस्टेज ना हो, स्क्रैप कम से कम हो, और एनवायरनमेंट का कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी कंपोनेंट मटेरियल का कम से कम हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, वेस्ट
वेस्ट कम से कम हो, लो पावर कंजम्पशन करे कम से कम, जैसे पहले जो डेस्कटॉप होता था, या इवन ये डेस्कटॉप ज़्यादा बिजली बिल लेता है जबकि लैपटॉप कम लेता है, ठीक है ना, दैट इज दी। और ऐसा नहीं कि 2 साल यूज करने के बाद कुछ खराब हो गया तो इसको फेंक दो। आजकल ज़्यादातर जो चाइनीज प्रोडक्ट होते थे खराब हो गए फेंक दो, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कि रिपेयरेबल होना चाहिए, रिप्लेसेबल होना चाहिए, कि उसको हम सर्विसिंग करा लें, रिपेयर करा लें तो फिर से ठीक हो जाए। फिर यदि नहीं ठीक होता है या एक 5 साल 10 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो डिजाइन फॉर डिसअसेंबली, मतलब उसको फिर से हम रीडिजाइन कर लें, ठीक है ना, रिसाइकलिंग मटेरियल आइडेंटिफाई करें, वही यूज करें, और जब उसकी लाइफ खत्म हो गई तो उस मटेरियल को फिर कहीं हम रीयूज कर लें। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट था हमारा। अब हम बात करें कि जो हमारा कंकरेंट इंजीनियरिंग में, कि कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग की जो है क्या रोल है, ठीक है ना, तो जब तक कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं करेंगे, आप 1 किलो मिठाई खरीदने जाते हैं तो आप एक मिठाई टेस्ट करते हैं ना कि भाई पहले टेस्ट कराओ, अच्छा होगा तो खरीदेंगे। तरबूजा खरीदते हैं तो टेस्ट करते हैं। अब जब 5 रुपये किलो की तरबूजा आप टेस्ट करते हैं तो इतनी लाखों करोड़ों या हजारों का प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो क्या टेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल। कंपनी की जो है यह पॉलिसी होनी चाहिए कि वह अच्छे से टेस्ट करके तब मार्केट में लाए। बिना टेस्ट किए आप लाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कोलेब्रेशन नहीं हो पाएगा और कस्टमर का आप जो है एक्सपेक्टेशन नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो जो है कोई भी आप प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक ना, तो प्रोडक्ट कैसा वो परफॉर्म करेगा, कस्टमर के माइंड पे कैसा इम्पेक्ट डालेगा, ठीक ना, और इन सब टेस्ट के बाद ही आप मास प्रोडक्शन जो है शुरू करें। और क्योंकि जब एक बार मास प्रोडक्शन के लिए आप आइटम भेज दिए हैं तो बीच में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक ना, और जब सब चीज़ सही है तो खूब प्रोडक्ट स्पीड के साथ प्रोड्यूस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोड्यूस कीजिए और डिलीवर कीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, ठीक ना। अब पॉसिबल टेस्ट की बात करें कि कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो एक तो प्रोडक्ट मीट परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमने स्पेसिफिकेशन दिया है, मतलब कि जैसे बोलते हैं कि बाइक पे 2 लोग को बैठ करके जाना चाहिए, अब 5 लोग बैठ गए, हम दो, हमारे दो तो बैठते ही हैं, एक पड़ोसी भी बैठ गया मान लीजिए, और तब बाइक जो है खराब हो गई, तब आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि अरे ये बाइक खराब था। नहीं, जो स्पेसिफिकेशन है 2 लोगों के बैठने से यदि खराब हो जाए तो जो है आउट ऑफ द स्टैंडर्ड है, अदरवाइज जो है आपको परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो है टेस्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज उसके ऊपर ये अलग बात है फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने लगता है। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट हम मेंशन कर दें, यह प्रोडक्ट 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, उसके बाद कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। और होता भी यही है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें उसमें एक गारंटी पीरियड देते हैं, दैट इज दी बेसिकली गारंटी पीरियड। इस पे जो है खराब होगा तो हम इसको वो कर देंगे, लेकिन उसकी लाइफ वो 2 साल 3 साल जो भी होता है बताते हैं। चलने के लिए प्रोडक्ट 10 साल चल लेता है, जैसे कोई बाइक आप देखेंगे हो सकता है कि वो 25 साल से चल रहा हो, दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट कंपनी उसकी लाइफ कितनी बोलती है? 15 ईयर्स। कोई भी बाइक आप खरीदें उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके चलते कि हमारा प्रोडक्ट फेल हो सकता है, ठीक है, वह कारण हम पहले ही कस्टमर को यदि बता दें, ठीक है ना, तो उससे कस्टमर क्या रहेगा? सचेत रहेगा, अटेंटिव रहेगा, ठीक है। तो यदि एक्सीलरेटेड टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करना है, तो उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो है इन सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर लें, ठीक है, एंड देन वी शुड डिलीवर प्रोडक्ट टू दी कस्टमर। अब एक्सेलरेटेड टेस्टिंग से क्या फ़ायदा है, ठीक ना, अब इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं है, लेकिन फायदा ये है कि जब चीज़ों को आप मेंशन कर देते हैं तो आप अपने जिम्मेदारी से बच जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ है, ठीक है ना, आपने बताया 5 साल चलेगा, तो 5 साल चलेगा, 6ठे साल वो ख़राब हो जाता है तो कस्टमर जो है आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक ना, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना वो प्रोडक्ट चला, ठीक ना, यदि
यदि आप 5 साल का बोलते हैं 6 साल में खराब हो जा रहा है, ठीक है, तो कस्टमर का एक निगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि ये प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है। यदि आप 5 साल बताते हैं 10 साल गया तो कस्टमर खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि 10 साल प्रोडक्ट चलने वाला है तो आप 5 साल ही बताइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब ये सब एक्सेलरेटेड टेस्टिंग का जो है पार्ट्स है कि टेस्ट शुड बी कंडक्टेड कंडक्टेड ऑन ए सैंपल, मतलब कि 100 है तो 2-4 पे आप कर सकते हैं, ठीक ना। प्रोडक्ट इज क्विकर टू मार्केट, लो डेवलपमेंट एंड वारंटी कॉस्ट। अब इन सब चीज़ों को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को बोल दिए कि फलाना चीज़ सुंदर है, क्वांटिटेटिव मतलब आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स आप देंगे, 5 देंगे, 7 देंगे, 8 देंगे, दैट इज द क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एक्सेलरेटेड टेस्ट एंड क्वालिटेटिव एक्सेलरेटेड टेस्ट। अब क्वांटिटेटिव एक्सेलरेटेड टेस्ट मतलब कि जो फेल्यूर किस कारण से हो सकता है, ठीक ना, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते हमारा प्रोडक्ट फेल हो सकता है, उसको हम पहले ही बता दें, उसके ऊपर वर्कआउट कर लें, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं तो कर लें, ठीक ना। और टेस्ट जितना जल्दी क्विकली कर सकते हैं वो कर लें, ठीक ना। प्रोडक्ट का डिजाइन इम्प्रूव कर दें, ठीक ना, और सैंपल थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक ना, नंबर ऑफ सैंपल जो है स्मॉल के बजाय बिग कर लें, जैसे 100 में 10 सैंपल टेस्ट करते हैं 20 कर लीजिए, ठीक ना। तो कई जगह पर चीज़ों को जो है हम लोग टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए, क्वालिटी चेक कर लीजिए, फंक्शन चेक कर लीजिए, दैट इज ऑल जो है क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली क्वांटिटी, ठीक ना, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, चीज़ों को आप एक आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 100 परसेंटेज के टर्म में, जैसे 10%, 20%, 30%, इस तरह से जो है आप एक मार्किंग कर देते हैं कि आप 5 साल में ये 10% डिटोरिएट हो जाएगा, या 5 साल में 50% ये खराब हो जाएगा, बाद बाकी 50% सही रहेगा, ठीक है। तो क्वांटिफाई द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि आप 5 साल 10 साल बता दिए। अब कोई बोलता है कि ये प्रोडक्ट ले जाओ बहुत दिन चलेगा, अरे बहुत दिन मतलब क्या, 5 साल 10 साल, आप क्वांटिफाई तो कीजिए उसको, दैट इज दी क्वांटिटेटिव टेस्ट। उसके बाद कंट्रोल एप्लीकेशन एक्सेलरेटेड स्ट्रेस कंडीशन टू सिमुलेट प्रोडक्ट फेल्यूर, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट बोलता है कि ये भाई ये 10 kg का लोड बियर कर सकता है, तो ये क्वांटिटी क्वांटिटेटिव हो गया। कोई बोलता है कि ये पूरा लोड बियर कर लेगा, तो पूरा मतलब क्या, 10 किलो 20 किलो आप लिखो तो सही, ठीक ना। तो ये लिखना जरूरी है। रिड्यूसेस टाइम टू फेल्यूर फॉर ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फेल नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, आज न कल तो होगा, उसमें आप मेंशन करो कि ये फेल जो है 2 साल 4 साल में कभी एक आध बार फेल होगा नहीं होगा, ठीक है। ये आप नहीं बोल सकते कि फेल नहीं होगा, फेल तो होता है प्रोडक्ट, उसको क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जो भी डाटा हमको मिला उसको एक इस्टीमेट करें, एक रिलायबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट जब हम कस्टमर को देते हैं। कुल मिलाकर के कंकरेंट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यह है कि हम पैरेलल कई सारा काम करते हैं, चाहे वह मार्केट की नीड आइडेंटिफाई करना हो, कस्टमर का फीडबैक लेना हो, या मार्केटिंग करनी हो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो, सप्लायर से बात करना हो, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, और डिलीवरी करना हो, टेस्टिंग करना हो, ठीक है, ये सब कुछ पैरेलल काम चलता है और इसी को बोलते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग। और आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में कंकरेंट इंजीनियरिंग इज दी बून इन दी टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है और जो है चीज़ें फिजिबल हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी इंडस्ट्रीज काम करती हैं और प्रोजेक्ट में भी काफ़ी काम होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, 1950 1960 का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये कंकरेंट इंजीनियरिंग जो है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये 45-50 मिनट के वीडियो में
काफी आपको हेल्प मिला होगा कंकरेंट इंजीनियरिंग को समझने में, और मैं ये भी एट द सेम टाइम उम्मीद करता हूँ कि इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलना मुश्किल है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इन वीडियोज को, और इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इससे रिलेटेड काफी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। साथ में जैसा कि हमने आपको बताया वॉइस ऑफ द कस्टमर QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, इसको और डिटेल में समझने के लिए हमारी सेपरेट वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप इन वीडियोज को देखते रहिए, अपने ज्ञान का जो है अपने नॉलेज का वर्धन संवर्धन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।